ऋणमो अध्ययाणम ऋणमो लोए समीसाहुणम जब से जीन धर्मी का जागिरणी हो गया, जब से जीन धर्मी का जागिरणी हो गया, पाप छई वार सदी आचिरणी हो गया, पाप छई वार सदी आचिरणी हो गया, पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, जिंदगी का सरल व्याकरणी हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरणी हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरणी हो गया। बोली श्री देवादिदेव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोली श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोली श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की। हमारा छह ढाला के स्वाध्याय में पांचवी ढाल शुरू होनी थी और पांचवी ढाल का इसमें क्या बताया गया है इसको हम लोग भली भांति प्रकार से पढ़ेंगे और भली भांति प्रकार से समझने की चेष्टा करेंगे कि इसमें क्या क्या किस प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ें हम अच्छी तरह से ग्रहण करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए पांचवी ढाल का पहला सूत्र पढ़ते हैं। पहला सूत्र पढ़ते हैं जी। मुनि सकल व्रति बड़े भारीगी, भव भोग नित्य वैरागी, बैरागी पावने माई, चिंती अनुप्रेक्षा भाई। अर्थात मुनि सकल व्रति बड़भागी, इसका मतलब है हे भाई, मुनि तो पुण्यवान और सकल व्रति होते हैं, यानी वे पांच महाव्रतों के धारी होते हैं। भव भोगन ते वैरागी, पांच महाव्रतों के धारी होते हैं, सांसारिक भोगों से उदासीन रहते हैं, सांसारिक भोगों से उदासीन रहते हैं। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा माई, वे वैराग्य के भाव को माँ की तरह समझ, माँ की तरह जन्म देने वाली बारह भावनाओं का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। अर्थात इसमें क्या लिखा है, जो हमारे मुनि महाराज होते हैं वो बहुत पुण्यशाली होते हैं। पुण्यशाली क्यों होते हैं इसका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर व्यक्ति का पुण्य नहीं हो, अगर व्यक्ति का खुद का पुण्य नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति उसे नीचा गिरा सकता है। जब तक व्यक्ति का खुद का अगर पुण्य है तो कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा नहीं गिरा सकता है। व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के साथ साथ पुण्य अर्जन जरूर करना चाहिए। अगर पुण्य अर्जन व्यक्ति ने नहीं किया तो कभी भी धराशाही हो सकता है। अगर हमारे जीवन में पुण्य है, अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा है भगवान के प्रति, अगर हमारे अंदर अच्छे कार्य करने की चेष्टा है, लगन है, तो हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। वैसे ही किस प्रकार, जिस प्रकार अगर पेड़ों की जड़ें मजबूत हों, अगर क्या हो, पेड़ों की जड़ें मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी आंधी तूफान उसे नीचा नहीं गिरा सकती। उसी प्रकार अगर हमारा पुण्य शक्तिशाली है तो हम नीचे नहीं गिर सकते। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर संयम मजबूत है, क्या है, संयम मजबूत है तो हम विषय भोगों की लालसा नहीं करेंगे।
संयम का मतलब है स्वयं को बस में करना। स्वयं को बस में करना क्या हो गया? संयम हो गया। पांचों इंद्रियों पे लगाम लगाना। पांच इंद्रिय कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जो पांचों इंद्रियां होती हैं वो हमें सुख चाहती हैं। पांचों इंद्रियां स्पर्शन इंद्रिय, उसे अच्छा पहनने को, ओढ़ने को, बैठने को, सोने को इत्यादि के लिए स्पर्श करने वाली चीज़ें अच्छी चाहिए। रसना, रसना इंद्रिय को खाने की चीज़ें चाहिए अच्छी अच्छी रसना। घ्राण, घ्राण मतलब उसे सुगंध चाहिए, दुर्गंध में नहीं रह सकता व्यक्ति। चक्षु यानी आँखें, आँखों के लिए सामने मूवी, वीडियो, सॉन्ग इत्यादि, मतलब जिससे वो उसका उसका मन शांत हो, वो चीज़ उसे देखने के लिए चाहिए। इसके बाद में कर्ण, कर्ण में बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया गाने, बढ़िया सॉन्ग, या फिर यूँ कहें कि जो जिसकी आवाज़ जो है सुनना चाहता है वह उसके लिए जो शांति प्रदान कराए वो चाहिए। तो ये पांचों इंद्रियां हैं हमारी जो हमें बस में करनी होती हैं। जो मुनि महाराज होते हैं वो बस में करते हैं, पांचों इंद्रियों को ही बस में करते हैं। मुनि महाराज चटाई पर सोते हैं, एक समय आहार करते हैं, चटाई पर सोते हैं, एक समय आहार करते हैं, सारा परिग्रह त्याग करते हैं। कोई परिग्रह, किसी चीज को वो अपना नहीं मानते। घर, मकान, घोड़ा, बग्घी या कार, या फिर घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, बुआ भांजी, मतलब जितने भी हैं मुनि महाराज किसी को अपना नहीं मानते। वो सिर्फ एक श्रावक की दृष्टि से देखते हैं कि ये क्या है, एक श्रावक है। संयम मतलब स्वयं को बस में करना। और जब मुनि महाराज के अंदर वैराग्य आता है तो वह यह सोचते हैं कि जिस प्रकार माँ एक बच्चे को जन्म देती है, क्या करती है, माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार क्या हो जाता है, उसी प्रकार क्या कर दिया, जिस प्रकार माँ ने बच्चे को जन्म दिया, किसको जन्म दे दिया, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, उसी प्रकार हमारे अंदर वैराग्य का उत्पन्न होना है। चलिए और आगे क्या है, तो ये भाई मुनि तो पुण्यवान और सकल वृत्ति होते हैं, यानी कि पांच महाव्रतों के द्वारा, पांच महाव्रत जो पांच पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, इसी प्रकार के उल्टा कर दो तो पांच महाव्रत होते हैं। अहिंसा अणुव्रत, चोरी का अचौर्याणुव्रत, हिंसा, झूठ, सत्य व्रत, सत्याणुव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, तो ब्रह्मचारी व्रत, परिग्रह, अपरिग्रह, तो इस प्रकार का उल्टा होता है पांच पापों का, वो उनके महाव्रत होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि, और एक और बात है, मुनि महाराज ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत पुण्य होता है, बहुत पुण्य का उदय होता है तब मुनि महाराज बनते हैं। आगे क्या कहा गया, इन चिंतन सम सुखे जागे, जिमी झोलन पवन के लागे, इन चिंतन सम सुखे जागे, जिमी झोलन पवन के लागे, जब हो जाए आत्म जाने, तभी ही जाए शिव सुख ठाने। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हवा से आग प्रज्वलित होती है, क्या होती है, आग प्रज्वलित होती है, किससे होती है, हवा से, किससे होती है, जिस प्रकार हवा से आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही बारह भावनाओं के चिंतन से ममत्व रूपी सुख जागृत होता है, समत्व रूपी सुख जागृत होता है, समत्व सुख से आत्मज्ञान, व आत्मज्ञान से
जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात क्या है, बारह भावनाएं, अगर हम बारह भावनाएं तरीके से पढ़ेंगे उसका अर्थ निकालेंगे तो एक एक अर्थ इतनी गहराई तक जाएगा कि वास्तव में संसार से बैराग आए बिना हम रह ही नहीं सकते। जन्मी मरी अकेला चेतने सुख दुख का होगी, वार किसी का क्या, एक दिन यही देह जुदी होगी। इसमें क्या कहा गया है, जन्मी मरे अकेला चेतन, जब व्यक्ति की आत्माएं अलग अलग हैं, यहाँ आके मिलना एक अलग बात है, रिश्ते नाते घर परिवार दोस्त यार सब कुछ यहाँ पे मिले हैं, लेकिन उन सबकी आत्माएं अलग अलग हैं। तो जन्मी मरे अकेला चेतन, जब व्यक्ति अकेला आता है अकेला जाता है तो उसको क्या किसी से भय खाना, क्या किसी का बुरा करना, क्या किसी से मोह रखना, जबकि शरीर भी अपना नहीं है। वारी किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदी होगी। अर्थात जब वार किसी का क्या कहें, जब अपनी देह भी अपनी नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है। और बारह भावनाओं में ही क्या आता है, वार इसमें और एक और बात है कि व्यक्ति जीवन भर कमाता है, बुढ़ापे में क्या हालत होती है जरा विचार कीजिए। व्यक्ति जीवन भर पाप करते कमाता है, झूठ बोल करके कमाता है, और इसके बाद में एक दूसरे का बुरा ईर्ष्या करके कमाता रहता है, और लास्ट में क्या आता है, उसके बच्चे ही अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि बच्चों को संस्कार ही नहीं मिले सेवा करने के। अगर कोई बच्चे ने काम करना चाहा घर का तो माँ बाप ने टोक दिया कि नहीं तुम काम मत करो, थक जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम काम मत करो, तुम पढ़ाई करो। सिर्फ पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन संस्कारित करना भी जरूरी था, वरना क्या होता है, चार पाई पे लेटा है, पास न बेटी बेटा है, चार पाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है, तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा, तुझे आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जरा विचार कीजिए, हमारा जीवन एक पानी की बूंद के बराबर है, फिर भी हम दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों में बुराइयां देखते रहते हैं, अपना उद्धार करने की बजाय दूसरों में बुराइयां देखना, ये हमारा स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव क्या है, खुद का उद्धार करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, दूसरों में बुराइयां देखना हमारा स्वभाव नहीं है। जरा विचार करना होगा हमारे अंदर ये स्वभाव आया कहाँ से, हमारा स्वभाव है दूसरों में अच्छाइयां देख करके हमें आगे बढ़ना, अपने आत्मा का उद्धार करने का है। लेकिन व्यक्ति मोह माया के जंजाल में फंस करके सिर्फ दूसरों से ईर्ष्या बुराई देख करके यहीं फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है, परिवार में फंस जाता है, जो क्या है, आत्मा का स्वभाव नहीं था वो कर लिया। आत्मा का स्वभाव शांत स्वभावी आत्मा, आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, शांत रह करके शांत परिमाणों के साथ। जरा विचार की समाधि मरण कहते किसे हैं, जब हमारे शांत परिणाम ही नहीं रहेंगे तो क्या हम समाधि मरण कर सकते हैं, कभी जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाएंगे। और समाधि मरण जब कर ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, गति कौन सी मिलेगी, चार गतियां हैं, कौन सी गति मिलेगी, सारी गतियां बिगड़ जाएंगी हमारी।
जब हम शांत रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब जिंदगी भर शांत रहने की प्रैक्टिस करते हैं, क्रोध को शांत रखने की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके समाधि मरण होता है। ऐसे ही नहीं होता है। समाधि मरण जिसका हो गया एक बार, वह अच्छी ही गदी में जा करके आगामी कम से कम समय में मोक्ष को प्राप्त करेगा। जी जरा विचार कीजिए, तो ये 12 भावनाओं का अगर हम विचार करेंगे तो जब समझ में आएगा कि वास्तव में हमारा जीवन असार है, अनित्य असरण संसार एकत अनंत असचि, ये 12 भावनाएं जो हमारे लिखी गई हैं वो हैं वार। तो इस प्रकार हमें क्या जानना चाहिए कि संसार असार है, संसार में हमारा कोई नहीं है, सारे कार्य स्वार्थपूर्ण जुड़े हुए हैं। अगर स्वार्थपूर्ण नहीं होता तो ये संसार ही नहीं होता। एक प्रकार से मैं यूं कहूं, माता पिता अपने बेटे की परवरिश करते हैं, किस लिए करते हैं कि बेटा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। अगर माँ बाप अगर ये सोच करके परवरिश नहीं करते हैं, तो एक उदाहरण देता हूँ, आप दूसरों के बच्चों की भी तो परवरिश कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों के लिए आपका स्वार्थ नहीं है तो आप वार बच्चे भी तो हैं जो गरीबी हालत में हैं, जो इधर उधर कूड़ा बीन रहे हैं, कचड़ा बीन रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो भूखे घूम रहे हैं, उनकी भी तो परवरिश कर सकते हैं। जरा विचार कीजिए, हर कोई स्वार्थपूर्ण जुड़ा हुआ है। जो स्वार्थता से निकल करके हमें अपने कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जो खुद का भी कल्याण कर रहे हैं और जन जन के कल्याण में लगे हुए हैं, कि मैं अपने कल्याण के साथ साथ अपने भक्तों का भी कल्याण कर सके। जैसे एक ड्राइवर होता है बस में बैठे हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, जिस प्रकार एक गुरु टीचर अपने बच्चों को अपने शिष्यों को उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां तक वो खुद तो नहीं पहुंचते, लेकिन अपने शिष्यों को जरूर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और एक गुरु ही ऐसा होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ता देख करके बहुत खुश होता है, व्यक्ति को अपने से भी अपने शिष्य मतलब बच्चे यानी व्यक्ति को अपने से आगे बढ़ता देख करके गुरु ही सबसे ज्यादा प्रसन्नतापूर्वक होता है, प्रसन्न होता है। और बाकी रिश्ते नाते दोस्त यार सब बाहर से तो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, अंदर ही अंदर छोटी सी ईर्ष्या भी होती है जो स्वभाव में ही रहती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसका नेगेटिव प्रभाव सक्सेसफुल व्यक्ति के ऊपर थोड़ा बहुत जरूर पड़ता है। जिसकी जितनी तीव्र ईर्ष्या भाव होगी उसका उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो जरा विचार कीजिए, तो संसार में जब कोई अपना है ही नहीं, संसार पूरा स्वार्थपूर्ण चल रहा है, तो हम किसके लिए कार्य करें? हम कार्य करना चाहिए हमें अपनी आत्मा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपन को सही राह में चल करके अच्छी गति में जाने के लिए। उसके लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती शांत परिणाम, क्रोध का ना आना, दूसरों में बुराइयां ना देखना, अच्छाइयों को ग्रहण करना, किसी से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, ये सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। तो 12 भावनाओं में को बैडन भी किसी दिन अपन उससे करेंगे। चलिए और आगे का पढ़ते हैं कि जो मुनि महाराज होते हैं वो ममत्व को छोड़ करके मोक्ष सुख की राह की प्राप्ति के लिए चल देते हैं। और कैसे ये बताते हैं, जो वन ग्रह गोधनी नारी
हाय गए जनयज्ञकारी इंद्रिय भोग छिनी थाई सुर धनु चपुला चपुलाई। अर्थात यौवन घर गायें धन संपत्ति स्त्री घोड़ा हाथी आदेश पालन करने वाले नौकर चाकर और इंद्रियों के भोग ये सभी क्षणभंगुर हैं। क्या हैं? क्षणभंगुर हैं। इंद्र धनुष और बिजली की तरह चंचल हैं। क्या हैं? इंद्र धनुष और बिजली की तरह क्या हैं? चंचल हैं। तो जरा विचार कीजिए कि यौवन मतलब जवानी क्या हो गया? जवानी जवानी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति भटक जाता है जवानी में, उसे यह कार्य पता नहीं चलते कि वास्तव में क्या अच्छे कार्य हैं क्या गलत कार्य हैं। जो उसके मन में आता है वही अच्छा कार्य मानता है। वो जवानी के समय में जो उसके मन में आया बस वही अच्छा कार्य है ऐसा मानता है, जो कि क्या है गलत है। ऐसा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, जरा विचार कीजिए, ये क्षणभंगुर हैं। इसलिए एक गीत भी आया, जिंदगी किराए का घर है एक ना एक दिन बुल एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। अर्थात क्या है? जब यौवन घर गाय धन संपत्ति घोड़ा हाथी सब कुछ क्षण भंगुर है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है। हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। अगर हमें अपने जीवन का किसी को पता ही नहीं है तो हम अपने जीवन में ऐसे कार्य जरूर करें जिससे के द्वारा हमारी तरफ से किसी का दिल ना दुखे। अगर किसी का दिल दुखता है तो उसका हमें बहुत पाप लगता है, और ऐसे कार्य करते चलें जिससे किसी का दिल ना दुखे और हमारी आत्मा के लिए क्या सही है वह डायरेक्शन में हमें कार्य करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कि क्या है? धन संपत्ति आदि क्या है? नौकर चाकर आदेश आदि सब क्या? क्षण भंगुर, यानी कहाँ जाएंगे? इंद्र धनुष और बिजली की तरह हैं, ये तुरंत नष्ट हो जाएंगे, तुरंत ये जाना देर तक नहीं टिकने वाले। वर क्या कहते हैं आगे? सोरे असुरे खगाधे जेते मृग जा मृग ज्यो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। अर्थात देव दानव चक्रवर्ती आदि कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो दो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो मौत से उसी तरह मार डालती है जिस तरह शेर हिरण को मार डालता है। मणि मंत्र तंत्र आदि कोई भी उपाय किसी को मौत से नहीं बचा सकता, ये अशरण भावना है। जरा विचार कीजिए, ये अशरण भावना मतलब है कोई किसी का सहारा नहीं है,
अगर मृत्यु आ गई तो आपको जाना ही पड़ेगा। कोई भी वेद क्या है, काम नहीं आया। सिकंदर जा रहा जग से सभी हाली विहाली थे, पड़ी थी पास में माला मगर दोनों हाथ खाली थे। वो तो धन लूटा हुआ था उनका, लेकिन जरा विचार कीजिए कितने पापों के द्वारा धन को लूटा हुआ था, कितने पाप किए होंगे, कितना पाप उसे लगा होगा। आप दूसरों को सता सता करके धन लूट रहे हो तो इसमें पाप लगता है। तो इतने पाप के द्वारा धन अर्जित किया फिर भी वह मृत्यु के निकट काम नहीं आया। जब उसकी मृत्यु हुई तो काम नहीं आया, समय मांगता रहा वेदों से कि मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए, आपको जितनी धन संपत्ति चाहिए मैं उतनी धन संपत्ति दे दूंगा, लेकिन नहीं, ये मृत्यु है। हर कार्य पैसों से नहीं होता, ये क्या है, मृत्यु है, यहाँ पैसे आपके कार्य नहीं करेंगे। सिकंदर पड़ा रहा, उसे नहीं बचाया जा सका इतनी धन संपत्ति लूटने के बाद। तो मेरे कहने का मतलब है, जिस प्रकार व्यक्ति कार्य करता है, अगर वह उनका विचार कर ले कि हमें वास्तव में क्या कार्य सही हो सकता है, उसका कार्य का निरीक्षण करके फिर धन कमाए और उसे अच्छे कार्यों में लगाए तो उसकी उन्नति जरूर होती है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति धन कमाता है, आज के मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए धन कमाते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में जाना सोचते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं। और हमें अगर दूसरों के बारे में सोचें तो हमारी उन्नति 3 गुनी होती है। अगर हम किसी को 5 रुपये का भी दान करते हैं तो ये 100% पक्का ही है कि 101% आपके पास किसी ना किसी रूप में मिनिमम 15 रुपये तो आएंगे ही। अगर आप 1 लाख रुपये का दान करते हो, 1 लाख रुपये किसी अच्छे कार्य में लगाते हो, तो 100% 3 लाख रुपये का प्रॉफिट कहीं कहीं से होगा ही, जरूर होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये दान की महिमा है। दिखावे का दान करना अलग बात है, श्रद्धा से दान करना अलग बात है। अगर जो व्यक्ति अगर श्रद्धा भावना से करता है कार्य, उसके साथ ये होता है, 100% है, कोई रोक नहीं सकता उसे। और क्या कहा गया है और बताते हैं कि देव यानी देवता भी नहीं रोक सकते अपनी मृत्यु को या मनुष्य की मृत्यु को, दानव राक्षस आदि भी नहीं रोक सकते, चक्रवर्ती राजा आदि होते हैं वो भी नहीं रोक पाएंगे मृत्यु को। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मौत उसे कभी उसी तरह मार डालती है। और आगे क्या है, चाहो गति दुख जीवे भरे हैं, परिवर्तन पंची करे हैं, चाहो गति दुख जीवे भरे हैं, परिवर्तन पंची करे हैं, सबे विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। अर्थात जीव चारों गतियों देव दानर मनोस्त्रियंच में दुख सहन करता है। चार गतियां कौन कौन सी है, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। 4 गतियों में व्यक्ति भ्रमण
करता रहता है, फिर भी क्या होता है, उसे चैन नहीं मिलता, उसे सुख नहीं मिलता। जब व्यक्ति अगर ये बात समझ जाए कि चारों गतियों में जब सुख नहीं है तो बड़ी मुश्किल से मोक्ष जाने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, तो हमें किसी दूसरे के अंदर बुराई ना देखते हुए, अच्छाइयों को देखते हुए, धर्म का अध्ययन करते हुए, विवेकशील बनकर के, धर्म की मर्यादा को लख करके, हमें आत्मा को मोक्ष मार्ग के रास्ते पे ले जाना चाहिए। मोक्ष मार्ग के रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ा के ले जाएंगे, जैसे हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष पद के रास्ते पे चल रहे हैं, और समस्त जो हमारे जैन मुनि हैं वो भी मोक्ष पद के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, और वो प्रेरित करते हैं कि सभी लोग, सभी भक्तगण भी मोक्ष पद के रास्ते पे चलें, एक दूसरे को सताए बिना, एक दूसरे को सताए बिना हमें क्या करना है, उनको सही दिशा दे करके, एक दूसरे को गुमराह किए बिना उसको सही दिशा दे करके, अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही रास्ता बता करके सही रास्ते पर लाना चाहिए, और सही रास्ते पर ला करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह विधिवत तरीके से अपने जीवन का कल्याण कर सके। यही कहा गया है कि जीव चारों गतियों में दुख सहन करता है, सुख उसे कहीं नहीं मिलता। अगर आप कहेंगे देव गति में सुख है, तो सुख तो है लेकिन भोग विलासों वाले सुख हैं, भोगते ही रहोगे लेकिन मोक्ष जाने वाला सुख नहीं है, मोक्ष नहीं जा पाओगे वहां से। मोक्ष कहां से जा पाओगे, सिर्फ मनुष्य गति से ही जा पाओगे मोक्ष। त्रियंश गति से देव तो बन सकते हो, त्रियंश गति से देव तो बन सकते हो, नरक भी जा सकते हो, मनुष्य भी बन सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते त्रियंश गति से। मोक्ष जाने के लिए तुम्हें मनुष्य का जन्म लेना ही पड़ेगा। जरा विचार कीजिए, राम भगवान, हनुमान भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, सब पहले मनुष्य बने, मनुष्य के बाद ही कहाँ गए हैं, मोक्ष गए हैं। आप कोई सा भी ऐसा उदाहरण नहीं देख पाओगे जिसमें चिड़िया मोक्ष गई हो, या कबूतर मोक्ष गया हो, या कुत्ता बिल्ली मोक्ष गए हो, या मेढक मोक्ष गया हो। देवता तो बन सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने के लिए संयम की जरूरत होती है, और आज उत्तम संयम का दिन है, दस लक्षण महापर्व की श्रृंखला में उत्तम संयम। संयम, संयम का मतलब होता है स्वयं को बस में करना। पांच इंद्रिय हमारी जो बाहरी होती है, छठी इंद्रिय मन इंद्रिय होती है, पांचों इंद्रियों को थोड़ा बहुत बस में कर लोगे, लेकिन मन इंद्रिय को बस में करना बहुत कठिन है। पांचों इंद्रियां सिर्फ पांच इंद्रियों के ही बराबर है, लेकिन जो मन इंद्रिय है वो 25 इंद्रियों के बराबर है, अकेली इतनी भारी है। पांचों इंद्रियों को तो एक बार बस में कुछ समय के लिए किया जा सकता है, लेकिन मन इंद्रियों को नहीं कर पाओगे। लेकिन कर सकते हो तपस्या के माध्यम से, तप के माध्यम से कर सकते हो। जिस दिन अगर मन इंद्रिय हमारे बस में हो गई, उस दिन बहुत बड़ा चमत्कार होगा, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आपके दिमाग में वही आएगा, या जैसा आप सोचोगे सामने वही पाओगे। अगर आपके मन में ख्याल आ गया कुछ तो गड़बड़ है, तो वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर आपके मन में विचार आ गया कि नहीं कुछ तो अच्छा होने वाला है, वास्तव में अच्छा ही होने वाला है। अगर आपको विचार आ गया कि कोई मुझे याद कर रहा है, शायद ये व्यक्ति तो याद नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वही व्यक्ति ही याद करता हुए निकले। और आचार विचार जो फालतू के विचार हैं, वह हमारे छूट जाएंगे, मन इंद्रिय वश में हो जाएगी तो वह छूट जाएगी,
फिर हमारा मन कहाँ जाएगा, भगवान के रास्ते पर जाएगा। चलिए और आगे क्या करते हैं, मैं दुख सहन करता हूँ, द्रव्य चेत काल भाव और भाव और भाव, ये पांचों शक्तियाँ निरंतर परिवर्तन को अंजाम देती हैं। द्रव्य, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं वो द्रव्य है, ढोलक मंजीरा ताले किताब कपड़ा कैमरा माइक, जितनी भी चीज़ें सब द्रव्य हैं। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है जगह, क्या हो गया जगह, तो द्रव्य क्षेत्र काल, काल मतलब क्या हो गया समय, क्या हो गया समय। भाव, भाव का मतलब होता है रूप, क्या होता है रूप, और भाव, भाव मतलब होते हैं विचार, क्या होते हैं विचार। पांचों शक्तियां निरंतर परिवर्तन को अंजाम देती हैं, हमारे विचार कभी भी चेंज हो सकते हैं, एक घड़ी पल प्रतिपल चेंज हो रही है, तब जाके इसका कलर निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ का कलर निकलना शुरू हो जाता है, पल प्रतिपल चेंज हो रही है, एक किताब भी पल प्रतिपल चेंज हो रही है, तब जाके हजारों वर्षों में या 100-200 वर्षों में फट करके बिखर जाएगी। मोबाइल ही पल प्रतिपल चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जाकर के वह खराब नष्टता की ओर जा रहा है, उसी प्रकार हमारा शरीर है कि पल पल नश्वरता को प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार हमारे विचार हैं कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो द्रव्य चेत काल भाव और भाव, पांचों शक्तियां निरंतर परिवर्तन को अंजाम देती रहती हैं। दरअसल संसार सब तरह में असार है, संसार क्या तब सब तरह से असार है, संसार हमारा नहीं है, संसार में अगर सोचेंगे लोग हमारे हैं तो लोग भी हमारे नहीं है, लोगों का सिर्फ जुड़ना स्वार्थपूर्ण है। जब माता पिता स्वार्थी हैं कि हमारा बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा, इसीलिए एक मनुष्य है इसीलिए वो शादी करता है कि शादी के बाद हमारे जो बच्चे होंगे तो बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। अगर बुढ़ापे का अगर सहारा बनने का कोई ड्रामा ना हो, है ना, तो व्यक्ति दूसरी राह पर चल सकता है। दूसरी राय पे तो ये जब संसार ही असार है तो संसार से छुटकारा पाने वाला रास्ता हमें ढूंढना बहुत जरूरी है, अगर नहीं ढूंढेंगे तो हम किसमें, हम ही गड्ढे में जाएंगे। चलिए और आगे क्या कहा गया है, इसमें कहीं थोड़ा भी सुख नहीं है, संसार में रियल में ना थोड़ा सा भी सुख नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें इस चीज में सुख मिल जाएगा, हमें दूसरी चीज में सुख मिल जाएगा, नहीं, कुछ समय का सुख है जिसे क्षण भंगुर सुख कहा गया है, कुछ समय का सुख है जिसे क्षण भंगुर सुख कहा गया है, क्षण भंगुर सुख यानी कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए सुख, जबकि सुख अगर अनंत सुख की प्राप्ति करनी है तो, अगर हमें अनंत सुख की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष फल, मोक्ष रूपी सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होकर के ही अनंत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, वैसे प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें मोक्ष फल की प्राप्ति करते हैं, और एक और बात है, जिन वाणी पढ़ने वाला व्यक्ति, जिन वाणी जो पढ़ेगा वही मोक्ष को जा सकता है, जिन वाणी का गुणगान करना, व्याख्यान करना अलग बात है, लेकिन उसे पढ़ना समझना, जिन वाणी का मतलब होता है बड़े बड़े ग्रंथ, जिनमें मोक्ष मार्ग का जाने का रास्ता छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है, ग्रंथों से रहस्य निकल निकल करके सामने आ रहे हैं, जो आज जितनी भी वैज्ञानिकता देख रहे हैं वो ग्रंथों से ही निकल के आई है, हवाई जहाज जो आज चलाई जा रही है, पहले तो विमान थे,
विमान यहाँ से वहाँ जाते थे, हवाई जहाज को तो फिर भी समय लग जाता है, विमान को तो इतना समय भी नहीं लगता था, विमान को तो इतना समय भी नहीं लगता था। इसलिए कहा भी गया, जिनी वाणी मोक्ष न सेनी है, जिनी वाणी मोक्ष न सेनी है, जिनी वाणी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिन वाणी है मोक्ष की सीढ़ी है। अगर किसी एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर आपको जाना है तो सीढ़ी का तो वो करोगे ना, इस्तेमाल करोगे, बिना सीढ़ी के नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार जिन वाणी है जो मोक्ष जाने के लिए सीढ़ी है। अगर आप जाना चाहे तो जिन वाणी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, ऊपरी ऊपरी ज्ञान काम नहीं आएगा आपका, अंदर घुसना पड़ेगा आपके। वास्तव में विचार कैसे चेंज होते हैं, वास्तव में वह कला हमारे अंदर कैसे आती है जिससे हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को सही रास्ता दिखाते हुए मोक्ष पथ के रास्ते पर ले जाएं, वो हमें विचार करने के लिए जिनवाणी ही है। तो इस प्रकार संसार में कोई नहीं है, यह है असार भावना। और आगे क्या कहा गया, शोभे अशोभे करामी फैले जेते भोगे जेये कहीं ते सोते दारा होए जो सीरी सब स्वार्थ के हैं वीरी। अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के जितने भी फल हैं, शुभ कर्म अच्छे कार्य करने को कहते हैं, अशुभ कर्म बुरे कार्य करने को कहते हैं। शुभ अशुभ कर्मों के जितने भी फल हैं जीव उन्हें अकेला ही भोगता है। कौन, कोई किसी का दुख नहीं भोगेगा। अगर चोट आपको लगी है तो दर्द आपको ही होगा, अगर कोई बात भी आपको लगी तो आपको ही दर्द होगा। अगर आपको किसी ने मार दिया पीट दिया तो दर्द आपको ही होगा, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तब भी दर्द आपको ही होगा। कोई किसी का यहाँ पर दर्द दुख बांटने वाला नहीं है। जरा विचार कीजिए कि शरीर सबके अलग अलग दिए गए हैं, आत्मा ही अलग अलग है, शरीर भी अलग अलग है, शरीर भी अलग अलग है ना, आत्मा भी अलग अलग है। तो जरा विचार कीजिए कि जो आत्मा का दर्द होता है सबका अलग अलग है और अलग अलग शक्तियां विद्यमान है, लेकिन मोक्ष जाने की शक्ति विद्यमान तो सभी के अंदर है, अधिकतर लोगों के अंदर है। भव्य जीव हो गया, अभव्य जीव तो नहीं जाएंगे, मोक्ष भव्य जीव तो जा सकते हैं, लेकिन जितने भी मंदिर में आए हैं वो भव्य जीव ही है। जो भव्य जीव है वो मोक्ष जा सकते हैं, तो लेकिन वह कला तो उत्पन्न करनी चाहिए, वह तो उत्पन्न कराने के लिए जरूरी है, वह कार्य उत्पन्न होना, उतनी सहन शक्तिशीलता उत्पन्न होनी चाहिए ना। चलिए और क्या कहा गया है कि शुभ अशुभ कर्मों के जितने भी फल हैं जीव उन्हें अकेला ही भोगता है, स्त्री पुत्र आदि कोई भी उन फलों को भोगने में जीव का हाथ नहीं बांटता। संसार में जो भी हैं सब मतलब के साथ ही हैं। क्या है, सब मतलब के साथ ही हैं, यहां पर कोई किसी का नहीं है। यहां पर सब मतलब के साथ ही हैं। ये एकत्व भावना क्या है, एकत्व भावना मतलब अपने आप को अकेला जानना चाहिए, अपने आप को अकेला जान करके मोक्ष के पथ पे चलना चाहिए। और आगे क्या बताया गया है, जले पे जो जीतने मेला पे भिन्न
निमिन्न नहीं भेला, त्यों प्रकट जुदीधन धामा, क्यों है कि मिल सुतिराम। अर्थात जीव और शरीर दोनों दूध और पानी की तरह परस्पर मिले हुए हैं। दूध और पानी की तरह, दूध कैसा होता है? सफेद होता है। दूध तो सफेद होता है, उसमें अगर पानी मिला दें तब क्या हो जाए? सफेद ही रहेगा। क्या रहेगा? सफेद ही रहेगा। और अगर हम दूध से दोस्ती करेंगे तो हमारा रेट बढ़ जाएगा, और पानी से दोस्ती करेंगे तो पानी ही है। इस प्रकार हम भगवान से दोस्ती करेंगे तो हमारे सारे काम काम कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर हम भगवान से दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने का मतलब है भगवान की भक्ति करेंगे। क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा या अपना काम कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अपना पुण्य इतना शक्तिशाली होगा। हर जगह किसी भी परिस्थितियों में हो, हर जगह सक्सेसफुल रहेंगे। अगर भगवान के प्रति आपकी आस्था है, भगवान के प्रति सच्ची लगन है, तो पहली बात तो यही कि अगर भगवान के प्रति सच्ची आस्था और लगन हो तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है आचरण। जो भगवान से लगा हुआ हो 100% उसका आचरण अच्छा ही होगा। क्यों होगा? अगर वो भगवान की प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करने वाले किसकी प्रार्थना? जिसकी प्रार्थना व्यक्ति करता है, जिसको व्यक्ति मानता है, उसका आचरण उसके अंदर समाहित होना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी दारूखोर व्यक्ति को मानोगे, दारूखोर व्यक्ति के साथ रहोगे, तो आपका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा दारूखोर वाला। अगर आप किसी गुस्सेल व्यक्ति के पास रहोगे तो आपका आचरण भी गुस्सेल वाला हो जाएगा, एक दूसरों को चिल्लाने वाला हो जाएगा। ये फैक्ट है, इसे कोई नकार नहीं सकता। ये अभी की ग्रंथ नहीं है, बहुत पुराने हजारों सालों पहले लिखे गए ग्रंथों में बात लिखी हुई है। तो हमें, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसी संगति में कार्य करना है। कैसी संगति में कार्य करना है और अच्छा खाना पीना है। चलिए आज जो सत सभा है आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे वार भावनाओं का बड़ी ही चिंतन करेंगे। इसलिए इसमें कहा गया है जीव और शरीर दोनों दूध और पानी की तरह परस्पर मिले हुए हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न ही हैं, एक नहीं हैं। जब एकदम मिले हुए एक दूसरे में समाये हुए भी एक नहीं है, तब प्रकट रूप से ही अलग अलग विद्यमान आपके धन मकान पत्नी पुत्र आदि कैसे आपके हो सकते हैं? ये अनित्य भावना। क्या है? अनित्य भावना। जब हमारा शरीर और आत्मा ही जब हमारा नहीं है, मतलब जब आत्मा सिर्फ हमारी है और शरीर खुद का जो जिसमें प्रवेश की हुई है, जब शरीर भी हमारा नहीं है तो वार बाकी लोग हमारे क्या होंगे? ये भावना हमें ये बखान कर रही है कि चीजों को समझो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हमारी आत्मा अलग है, जब शरीर भी अलग है, जब दोनों एक साथ होकर के भी अलग हैं, तो फिर तो घर पत्नी मकान पुत्र पुत्री है तो बाकी भिन्न हो गए, बहुत दूर हो गए। तो ये कैसे हो सकते हैं अपने? इसलिए किससे प्रीति लगाइए? भगवान से प्रीति लगाइए। इसलिए भजन भी कहा गया है, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाते भवर में नैया डाले दई, ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाते भवर में नैया डाले दई। मतलब क्या है? भगवान के से प्रीति लगाइए, सारे काम बनेंगे। सारे काम क्या बनाने? मेन काम तो अपनी आत्मा को परमात्मा का बनाने का है। धन संपत्ति ये तो हमारे पीछे आएंगी, ऑटोमेटिक पीछे आएंगी, इन्हें हमें लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक पीछे आएंगे। हमारे कार्य ऐसे बनेंगे कि ऑटोमेटिक हमारे पीछे भागेंगे, लेकिन जो हमारा मेन कार्य है वो आत्मा से परमात्मा बनाने का है। उस रास्ते पर चले,
ऐसी भावना है। वार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जीव को सुख मिले, शांति मिले एवं सभी जीवों के अंदर सद्बुद्धि आकर के मोक्ष पथ के रास्ते पर जाएं, ऐसी मेरी सद्भावना है। अब यहीं पे स्वाध्याय विराम करते हैं और जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो धो। हे जिनवाणी भारते तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रंथ, दया धर पालो सदा यही मोक्ष का। चलिए नौ वार्ड मुकर मंत्र पढ़ेंगे सभी लोग।